केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर एक बार फिर से हमला बोला। लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी की ओर से दिए गए भाषणों पर स्मृति ईरानी ने तंज कसते हुए कहा कि अगर घर में कोई लड़ाई होती है तो उसकी चर्चा घर के अंदर ही होनी चाहिए, इसकी चर्चा घर से बाहर नहीं होनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ने घर की बात बाहर जाकर कह दी। राहुल गांधी की इस हरकत को कोई भी भारतीय स्वीकार नहीं करेगा। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में पहुंची स्मृति ईरानी ने कहा कि हमारे देश में तो हर माँ अपने बच्चे को ये सिखाती है कि झगड़ा घर में करो, बाहर जाकर नहीं। राहुल गांधी ने क्या किया है, एक भारतीय के तौर पर मैं उसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकती हूँ। जब भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, तब बाहर जाकर इस प्रकार के बयान दिए जाते हैं। स्मृति ईरानी कहा कि राहुल गांधी खुद संसद से गायब रहते हैं, जिस पर क्या ही बोला जाए। इस मामले पर बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर घरेलू मुद्दों को उठाना ठीक नहीं है, घरेलू मुद्दों को बोलने के लिए संसद है, देश के बाहर घरेलू मुद्दों को उठाना अपमानजनक कार्य होगा। वरुण गांधी ने बताया कि ऑक्सफोर्ड यूनियन ने उन्हें पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत सही रास्ते पर जा रहा है या नहीं इस विषय पर बोलने के लिए आमंत्रण दिया था। उन्होंने ये कहकर आमंत्रण ठुकरा दिया कि ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने लायक नहीं है, संसद में इसको लेकर बहस होती है। आपको बता दें कि लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि भारत में लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश हो रही है। राहुल गांधी ने कहा था कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, मेरे फोन में भी पेगासस था, मुझे अधिकारियों ने सलाह दी कि मैं फोन पर सावधानी से बात करूं, क्योंकि फोन की रिकॉर्डिंग की जा रही है, विपक्षी नेताओं पर केस किए जा रहे हैं, मेरे ऊपर कई मुकदमे किए गए। साथ ही राहुल ने कहा कि जब वो संसद में बोलते हैं तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।